नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 2 की हिंदी भाषा पुस्तक बाल भारती के पाठ 32 जंगल में मंगल के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश से शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। इस नवाचार के पाठ को समझते हैं। जंगल में मंगल एक बाल कथा है जिसमें जंगल के सभी प्राणी जंगल के कटने से दुखी हैं। वह सारा दोष मनुष्य पर थोपते हैं, परंतु बंदर और हाथी सुझाव देते हुए कहते हैं कि हमने भी मनुष्य को बहुत परेशान किया है, क्यों ना हम मनुष्य से माफी मांग लें तो वो हमारा जंगल नहीं काटेंगे। इस प्रकार नवाचार की नवीनता देखी जाती है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जा सके और साथ ही साथ गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझाया जा सके। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु शब्द निर्माण को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। यदि अवधि देखें तो इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक कुछ स्टेशनरी, जंगल में मंगल पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करते हैं और पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत शब्द निर्माण की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया हुआ हो और उसका निर्माण और व्याख्या भी की जा चुकी हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है, जैसे छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के जानवरों की सूची तैयार करेंगे और जलचर, नभचर, स्थलचर जैसे जीवों की सूची को तालिका के रूप में तैयार करेंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक प्रति देते हैं जिसे अभिभावकों के सहयोग से छात्र भरकर लाते हैं। इस तालिका में विद्यार्थी का नाम, विभिन्न जलचर, नभचर, स्थलचर, उभयचर जैसे जीवों को लिखा जाता है और उनकी विशेषताएं बताई जाती हैं। अंत में नीचे अभिभावकों के लिए गृह कार्य से संबंधित निर्देश लिखे होते हैं। सभी छात्र इसे सावधानी से अभिभावकों को ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर कक्षा में विभिन्न जीवों की सहायता से पुनः अध्ययन कराया जाएगा। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका और चार्ट को भरकर अगले दिन कक्षा में शिक्षक के पास जमा करा देते हैं। शिक्षक इससे गृह कार्य पूरा कराते हैं। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो यह एक गतिविधि छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है तथा निर्देशों का पालन करने के नैतिक विकास का भी भाव पैदा करती है। अभिभावकों के सहयोग से छात्र गृह कार्य परिवेश की व्यवहारिकता से आसपास की समझ विकसित करते हैं। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत गृह कार्य करने की तकनीक को भी समझा जाता है। भ्रमण, अवलोकन और अनुभव के आधार पर जलचर, नभचर, स्थलचर जैसे जीवों की जानकारी प्राप्त की जाती है। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाए रखने के लिए छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। इस नवाचार से मूल जीवन कौशल और आत्म जागरूकता की गहन सोच का भी विकास होता है। पाठ में जंगल में मंगल को एक निर्धारित माह में ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, साथ ही PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी यह नवाचार उपयोगी है। वास्तव में यह नवाचार गतिविधि एक अभिनव गतिविधि है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।